नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर रमनदीप सिंह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल हिमाचल बल्कि प्रदेश का नाम रोशन करने वाली सिरमौर की बेटी को मान सम्मान देना प्रदेश सरकार भूल गई है, या यूं कहें कि बाकी खेलों की चकाचौंध के बीच शालू को पेशापालू खेल में मिले स्वर्ण पदक की चमक भी फीकी पड़ गई है तो गलत न होगा। गिरिपार की इस बेटी का जीवन संघर्ष किसी प्रेरक प्रसंग से कम नहीं है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश की इस बेटी ने हार नहीं मानी और निरंतर कोशिशों के बाद पेशापालू खेल में एशिया में भारत को स्वर्ण और विश्व कप में कांस्य पदक दिलाया। विश्व कप में हमारी इस बेटी की असाधारण प्रतिभा का लोहा न केवल देश ने माना और उन्हें इस खेल की कप्तानी सौंपी बल्कि उन्हें यहाँ बेस्ट खिलाड़ी के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन इस बेटी की विडंबना ये रही कि इसकी प्रतिभा के आगे शायद इसकी गरीबी भारी पड़ गई, तभी ये बेहतरीन खिलाड़ी आज सरकारी मान सम्मान के इंतजार में गुमनामी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये खेलों में बचपन से लेकर जज्बात रखती जी और अपना वो दिखाना चाहती थी ना जी। फिर हम गरीब फैमिली से हैं सर और खेती बाड़ी का काम करते हैं और यहाँ चाय की दुकान है। तो मतलब आप चाय की दुकान पे काम करते हो? हाँ, चाय की दुकान पर काम करता हूँ सर। और मतलब ये जैसे खेलों में अपनी रुचि दिखाती थी ना जी, फिर हमने इधर उधर से पैसा लेके थोड़ा खर्चा लेकर ना लोगों से इसका मनोबल पूरा किया। फिर देश विदेश के लिए जैसे खेलती है ना सर ये, तो ये देश का नाम रोशन होता है ना सर जैसे, तो हमारे को इसमें बड़ी खुशी होती है सर। बचपन से इसका खेलने कूदने का मन था, पढ़ने लिखने का, बस फिर हम चाहते थे इसको कि पढ़ाए लिखाए, बाकी लड़कियों को आगे भेज नहीं सकते हमें। फिर हमारे गांव में ऐसे बोलते रहते, गांव की लड़की आगे जा नहीं सकती, बस फिर इसका तो शौक था, फिर हमने इसको आगे भेजा। बाकी जैसे कैसे करके ना हमने इसको किया, ज़्यादा वो भी नहीं कर नहीं सकते थे। खेल कूद में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी तो हमने इसकी अपनी गरीबी की हालत में भी इसका बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। ये खेल कूद में बहुत आगे जाके पड़ी बड़ी, और क्या बोलते हैं, हमारी सरकार से अपील है कि शालू शर्मा की तरफ ध्यान दिया जाए, इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। शालू हमारे विद्यालय की राग की माध्यमिक पाठशाला शर्मा की छात्रा रह चुकी है। इसने यहाँ पे भी खेलों के प्रति इसका बहुत ही अच्छा रुझान रहा है और जैसा कि हम सबको पता है कि ये इसने 2 times ये बैडमिंटन में हमारे स्कूल से इसने पार्टिसिपेट किया है, और फिर उसके बाद इसने हमारे नेशनल में भी खेल चुकी है हैंडबॉल में। अब ये इसने पैसा पोलो में देश का लिए गोल्ड मेडल लाया है, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। शालू शर्मा मेरी फ्रेंड है और ये बचपन से इसे खेल में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी। हम साथ ही यहाँ पे पढ़े हैं और इसको ना खेल में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए आज ये देश के लिए मेडल लाई है। हमें बहुत बहुत खुशी है, हमारी बेटी ने भारत का शमा का गांव का नाम रोशन किया है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी बेटी के बारे में कुछ सोचें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, जिस बेटी ने देश को पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई, उस बेटी को अपने प्रदेश में पहचान मिलना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं पौंडा साहब से हमारे संवाददाता प्रेम वर्मा। प्रेम, क्या अब सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए अमनदीप, मैं तुम्हें आपको बताना चाहूंगा जी कि मैं कल शालू के गांव गया जी, तो इसके घर की हालत बहुत दयनीय हालत है जी। इसका घर भी टूटा फूटा है और पिता जो है वो एक चाय की दुकान में काम करते हैं जी, और बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराई और आज इस लायक बनाया कि ये देश का नेतृत्व कर सके। और ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इसने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया है जी, बिल्कुल। और गोल्ड मेडल लेकर आई है तो भारत का नाम पूरे विश्व में इसने प्रसिद्ध किया है। वहीं दुख इस बात का है कि सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब जब से हमने इस मुद्दे को उठाया है, जब से हम लगातार ये खबरें लगा रहे हैं, अब चारों तरफ शालू ही शालू को लोग ढूंढ रहे हैं। बस अब कमी अगर कहीं है तो बस सरकार की है कि सरकार देखते हैं कितने दिनों में इसकी ओर ध्यान देती है।
पूरे गांव ने और इसके टीचरों ने और सभी ने, आपने सुना होगा कि सबकी यही मांग है कि ये बहुत अच्छा खेल सकती है जी, बिल्कुल। लेकिन सरकार अगर इसकी मदद करे तो ये और भी अच्छा कर सकती है और भारत का नाम और ज्यादा बिल्कुल शालू पहले ही अपने आप को साबित कर चुके हैं, लेकिन जरूरत है कि अब सरकार भी जो बनता मान सम्मान है वो इस बेटी को दे। प्रेम आपसे जानना चाहूंगा कि स्थानीय विधायक जो हैं, क्या वो उन्होंने जहमत उठाई है कि हम आए और शालू से मिले? देखिए अभी तक तो स्थानीय विधायक ठाकुर हर्षवर्धन चौहान कुछ भी बोलने से हमारे सामने बचते रहे। हालांकि उनका एक बार हमने फोनों किया था तो फोनों पे उन्होंने बोला था कि मैं विधानसभा में ये मुद्दा उठाऊंगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि वो ये मुद्दा कब तक उठाते हैं। मगर दुख की बात ये है कि अभी तक भी कोई भी राजनेता इसके गांव में इसका स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचा, जबकि ये एक गोल्ड मेडलिस्ट है और इसने पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो बिना देर करे किसी भी नेता को वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन अभी तक दुख की बात है कि कोई भी वहां नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल, पहुंचना चाहिए था, लेकिन नेताओं का आना सिर्फ चुनावों में होता है, ऐसे मौकों पर कई बार नेता चूक जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम। तो आपने देखा किस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि वो जब उनके घर गए, यानी कि शालू शर्मा के घर पहुंचे, तो उनकी घर की स्थिति बिल्कुल दयनीय थी। दरारें पड़ी हुई हैं घर पर, दीवारों पर। उनके पिता जो हैं वो एक चाय की दुकान पर काम करते हैं और बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया है, शालू को इस काबिल बनाया कि वो आज देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शालू शर्मा जो है वो अपने प्रदेश में ही एक पहचान की मोहताज बनकर रह गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार शालू शर्मा को या फिर सिरमौर की इस बेटी को कब मान सम्मान देगी। आपको बता दें कि शालू शर्मा पेशापालो खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, भारत की टीम की कप्तान हैं और जुलाई 2017 में शालू शर्मा की कप्तानी में भारत ने पेशापालो खेल के अंदर कांस्य पदक जीता विश्व कप में। हम बात कर रहे हैं जुलाई 2017 की, और जनवरी 2018 में भारत की पेशापालो टीम की कप्तान शालू शर्मा ही थी और भारत ने एशिया कप में गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से या फिर विधायक की तरफ से कोई भी मान सम्मान स्वागत इस बेटी का नहीं किया गया।